गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सारे सारे अच्छे होंगे। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, थोड़ा सा काम हो गया था, इस वजह से आपके वीडियो अपलोड नहीं हो पाए थे। अब आगे जो भी क्लासेस होंगी सारे सारे कंटिन्यू होंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो बोलो, कोई भी काम शुरुआत कर रहे हैं, शंकर जी का नाम देख लेते हैं। बोलो हर हर महादेवा। चलो बेटे स्टार्ट करते हैं। जो पीछे का अपना लास्ट वीडियो था उसके अंदर पढ़ा था, एनर्जी बैंड के आधार पे पदार्थ तो बन गया, ये पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री ऑफ द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, वो तीन टाइप। पहले बताया था चालक, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा। चालक, कंडक्टर, सेकेंड नंबर का बता कुचालक, इसे विद्युत रोधी भी कहा जाता है या चालक भी कहा जाता है, ठीक। इंस्ट्रूमेंट लास्ट का बना सेमी कंडक्टर। ये तीन है, तो इसमें से ये दो पढ़ा दिए लास्ट वीडियो में, चालक पढ़ा दिया था, चालक पढ़ा दिया था। फिर भी इसका थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। एनर्जी बैंड के अंदर तीनों जो अपने बैंड है उनका उपयोग करना है। तीनों बैंड कौन कौन से थे? एक वीपी था, वैलेंसी बैंड था, एक कंडक्टर बैंड था, और लास्ट कौन सा था अपना? डेल्टा जी, मतलब चालन बैंड था, संयोजी बैंड था, और वर्जित ऊर्जा था। तो ये जो अपना चालक था, कंडक्टर था, इसकी कंडीशन क्या कहते हैं कि भाई ऐसे पदार्थ जिनके लिए डेल्टा ई जी में समझ गए एनर्जी गैस अप्रोक्सीमेट इक्वल किसके था? जीरो। यानी कि वे पदार्थ जिनके लिए डेल्टा ई जी अप्रोक्सीमेट इक्वल जीरो, वो पदार्थ हमें क्या कहेंगे? चालक, ठीक है। उदाहरण बता दीजिए कि जितने भी मैक्सिमम 99% जो धातुएं होती है वो सारे के सारे अपने क्या होती है? कंडक्टर होती है, यानी कि चालक होती है, ठीक। उसके बाद में सेकंड पढ़ा था कौन सा? उचालक की कंडीशन पढ़ा दी थी भाई, ऐसे पदार्थ जिनके लिए डेल्टा ई जी कितना होना चाहिए? डेल्टा ई जी ग्रेटर देन कितना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा ई जी का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या रहेगा? अपना ज्यादा रहेगा या फिर इसके बराबर हो सकता, ठीक। जब एक कंडीशन पड़ी होगी कई किताबों के अंदर कि भाई डेल्टा ई जी का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, बट लेस देन अपना कितना होना चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखना चाहते हैं, ठीक। मीन्स कुछ अलग है कि डेफिनेशन अपनी क्या होगी कि ऐसे पदार्थ जिनके लिए एनर्जी गैप यानी कि डेल्टा ई जी का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या रहेगा? अपना ज़्यादा रहेगा, एंड लेस देन कितना रहेगा? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या रहे? कम रहे। फिर मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है ये परिभाषा आपको बुक्स में मिले, बट ये एकदम सही है, ठीक है, कोई गलत नहीं बात है। अगर आप लोग ये कंडीशन लगा रहे भाई ऐसे पदार्थ जिनके लिए डेल्टा ई जी का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या रहे ज्यादा, तो ये भी सही है, समझ बैठे। अब अपने लास्ट बात कर रहे हैं इसकी अर्धचालक। बेटा ये जो अर्धचालक है यहां से अपनी यूनिट अब स्टार्ट होगी मेन, जो अपनी 16 यूनिट है उसका ये मेन पार्ट है अर्धचालक। अगर ये तुम लोग को इसमें छोटे छोटे सवाल आते हैं, इसमें कोई बड़े सवाल नहीं होते, नॉर्मल छोटे सवाल आते हैं, और बहुत इजी है बट बहुत लंबी थ्योरी है, ठीक। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, अच्छा समझ लगेगा। ये अर्धचालक
और 4 लाख, 200 तो हो गया इसमें। एक तो हो गया आधा, आधे का मतलब हो गया आधा, यानी कि प्लस 1/2 कह सकता हूँ इसमें, आधे ये हो गया आधा। हाँ और बेटा आगे क्या है अपना, 4/2 ये हो गया ना। अब एक बात बताइए, मैं ये कह दूं मैं ये कोई भी पात्र है ठीक, इससे पात्र की एमसीडी क्या है कि इसके अंदर 10 लीटर लिक्विड आ सकते हैं ठीक। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो अपना पात्र है या फिर बीकर है, इस बीकर में आधा जल भरा हुआ है, 1/2 पार्ट जल, आधा जल भरा हुआ है अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इनडायरेक्ट वे में क्या कह सकते हैं कि भाई इसमें कितना लीटर जल है, 5 लीटर, बाकी की 5 लीटर चीज और कुछ हो सकती है, समझ में आ रहा है। तो गोल गोल से अपने जो यहाँ पे आ गए, अब इससे पहले क्या पढ़े थे आज, चालक से पहले गोल गोल से चालक को पूछा था। तो बेसिक सी बात है कि भाई आधा अगर चालक है तो आधा क्या रहेगा ना, पूछा था भाई दो ही तो चीजें हैं। मैं ऐसे कह दूं कि भाई ये जो अपना पात्र है ना, पात्र कैपेसिटी अपनी 10 लीटर की ठीक, इसमें मिलाकर, इसमें मिलाकर किस किस को मिलाकर जेल में डूब जाए, मान लिया कि दोनों मिला और मिला के आधा भर गया, तो आधे को मतलब आधा भी क्या हो गया, कंप्लीट भर गया, आधा नहीं कंप्लीट मान लो, थोड़ी देर कंप्लीट का अच्छे से मिल जाए कि ये कंप्लीट भर। अब मैं इसे कहूँ भाई इस कंप्लीट में जल कितना होगा और डीजल कितना होगा, तो कंप्लीट सीधी सी बात है भाई 10 की कैपेसिटी है, दोनों को मिला के भरे तो 5 लीटर का आया होगा जल, तो 5 लीटर का आया होगा डीजल, तो चल क्लियर। जे कंडीशन अपनी आ गई, आगे चालक के नाम से क्या पता चल रहा था, आगे मतलब आधा, आगे क्या था चालक। अब अगर आधा चालक हो गया तो बाइक में कौन डालता है, क्या नहीं होगा चालक, ये परिभाषा अपने को अभी याद नहीं करनी, ये परिभाषा अपने को अभी याद नहीं करनी है क्लियर, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं कि भाई ऊर्जा बैंड के आधार पे अपने को वर्गीकरण किसका करना है, पदार्थ का। तो इसके अंदर कंप्लीट अपने को किसकी देनी है, ऊर्जा बैंड ठीक, भाई ऊर्जा बैंड के आधार पे अर्धचालक की परिभाषा क्या बनेगी, लेकिन इनका उपयोग होगा, इनका उपयोग होगा ठीक। वो लास्ट में बताऊंगा तो मैं कितने नंबर का आए तो कौन सी डेफिनेशन लिख ली है, सिंपल एक नंबर का आता है कौन सी लिख ली है, दो का आता है तो कौन सी ठीक। बस आप सिंपल इतना ध्यान रख लो कि अर्धचालक के लिए दो शब्द है, एक अर्ध है एक क्या है चालक, मतलब आधा चालक है, संख्या अपनी कोई भी संख्या होती है अपने हिसाब से कितनी होती है, 100%। तो अगर ये आधा चालक हो गया तो आधा क्या रहेगा, अर्ध चालक, याद है कि नहीं। अच्छा अब देखिए आगे क्या पूछा था भाई, जितनी भी चीजें पड़ेगी क्या पड़ेगी, एनर्जी बैंड क्या आ रहा है, एनर्जी बैंड क्या आ रहा है, सबसे पहले तो चलाएगा पता चले अर्ध चालक मतलब कि दो शब्द हुए थे, आधा तो क्या था प्लस 1/2 तो क्या था चालक, प्लस 1/2 ही क्या था अपना चालक। अब इसकी देखो एक परिभाषा से सुनकर क्या है, अब ऊर्जा बैंड में चालक की कंडीशन भी आप पढ़ लिया भाई, अगर आधा चालक है तो चालक की कंडीशन क्या है, कंप्लीट अगर चालक होगा तो चालक की कंडीशन क्या है कि डेल्टा ई जी एप्रोक्सीमेट इक्वल किससे होना चाहिए, जीरो।
ये और इसकी कंडीशन भी बढ़ गई कि डेल्टा ए जी का मान क्या होना चाहिए, होना ग्रेटर देन 3। ये कैसे पढ़ लिया ठीक। अच्छा अब ये जो आते चाल लगे आता तो चाल लगे आता ये चाल, तो कंडीशन क्या रहेगी भाई, ऐसे पदार्थ जिनके लिए डेल्टा ए जी का मान चालक से तो जाए ज्यादा, मतलब कि डेल्टा ए जी अप्रोक्सीमेट इक्वल जीरो था, इससे भी क्या होना चाहिए अपना ज्यादा होना चाहिए ठीक है, और इससे क्या होना चाहिए अपना कम होना चाहिए, यानी कि वे पदार्थ जिनके लिए डेल्टा ए जी मतलब कि एनर्जी गैप, डेल्टा ए जी मीन्स एनर्जी गैप कितना रहेगा अपना चालक से तो अधिक, बट तो चालक से क्या रहे कम, वे पदार्थ क्या करेंगे कौन सा
अगर तुम लोगों ने बेटा गलती से ये ट्राई करा तो बना लिया बच्चा बीबी और बेटा यहाँ पे टिका दिया सीबी। बेटा अब ये जो डायग्राम आपने साबित कर रहे हैं ये पूरा गलत है, क्योंकि इससे ज्यादा गैप होना नहीं चाहिए। भाई परिभाषा ये तो पहले से डेल्टा इजी ग्रेटर देन किस होना चाहिए चालक से, इजी डेल्टा इजी का मान चालक से क्या होना चाहिए ज्यादा, तो डेल्टा इजी जी लाइन है ना, जी लाइन जो यहाँ पे खींचिए इससे क्या होना चाहिए ज्यादा, तो इससे तो ज्यादा ही है। ये डायग्राम फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये डायग्राम होना कौन सा थर्ड है, तो फर्स्ट और थर्ड को कंपेरिजन करो, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को कंपेरिजन करो, मेन अपना जो ये जो परिभाषा है परिभाषा के ऊपर ध्यान दीजिए। क्या कह रहा था कि डेल्टा इज चालक से क्या होना चाहिए ज्यादा, तो चालक में डेल्टा इज ही लाइन, ये बीच का जो डेल्टा इज ये जो दिख रहा है ये जो बीच में है ना, दोनों लाइनों के बीच में दिस एंड है, इन दोनों के बीच में ये जो बीच में खाली जगह दिख रही है ये है जे वाला डेल्टा, तो इससे ये जो लाइन है इस लाइन से क्या होना चाहिए बढ़ जाएगा, तो इससे तो ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं। फिर ये तो फर्स्ट कंडीशन है, लेकिन बाहर सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि डेल्टा इज का मान कुछ अलग से क्या होना चाहिए कम, अब कुछ अलग की लाइन आपने कितनी लिखी है, तो इस लाइन से ये जो ये लाइन है ना ये लाइन क्या होनी चाहिए अपनी कम होनी चाहिए, ठीक है, अब वो कम चाहिए थोड़ी सी कम हो या फिर ज्यादा से कम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परिवार से समझ में बैठ गई। डेल्टा इज चालक से क्या रहेगी ज्यादा, चालक से क्या रहेगी कम, मीन्स परिभाषा क्या होगी, भाई ऐसे पदार्थ जिनके लिए डेल्टा इजी का मान चालक से क्या रहे ज्यादा और कुचालक से क्या रहे कम, वे पदार्थ अपने क्या कहलाएंगे अर्ध चालक, क्लियर, ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया, कैसे क्या बनाना है, बीच का गैप अपने को कुचालक से क्या लेना है कम और चालक से क्या लेना है ज्यादा, मतलब ऐसे बनाना है। अब इसको कोई गलत नहीं करना, अगर ऊपर ये रोड बनाई है अब देखो इससे तो ये बीच की कम है सेकंड को और फोर्थ वाले को हम दे देंगे, पहले फर्स्ट और फोर्थ को, फर्स्ट और फोर्थ के हिसाब से ये कम की दी जाए कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड और फोर्थ को हम सही करो, कंडीशन क्या है कि डेल्टा इज इक्वल कुछ अलग से क्या होना चाहिए कुछ अलग की ये थी अपनी ज्यादा है इसको क्या लगे कम कर अरे वैसे भी ये अपना डायग्राम है, ठीक है, सही गलत का ध्यान रखना ना, वैसे एग्जाम में मेरे हिसाब से तो पूछता नहीं है, तो बेटा बना दिया जे बना दिया बेटा सी बी 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 जो बी बी का मतलब समझ गए होगे, लेकिन बार बार बोल रहा हूँ सेम इंडेक्स के लिए इसका मतलब बी बी हो बेटा ये हो गया अपना सी, ये सी परिभाषा ये कह रही है भाई वैसे बता दे कि डेल्टा इजी का मान क्या रहे चालक से क्या रहे ज्यादा नहीं और कुछ चालक से क्या रहे कम रहे, भी पता क्या कह रहे हैं अरे चालक बीपी बैंड अपना ये डायग्राम बनाते हैं, बीपी बैंड का अपना ये पूर्ण रूप से किससे बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन से, इसको भर दिया पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से, और सीबी अपना क्या है देखिए आधे चालक में दो डायग्राम बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आधा चालक की तरह कार्य है, क्योंकि एक परिभाषा में बताई थी थोड़ी देर पहले आधा मतलब आधा चालक और आधा क्या था कुछ चालक, तो वो दोनों का डिस्टेंस ध्यान रखना है अपने यहां यहां पे साइड में लिख दो प्लस ए बटा दो तो क्या था चालक और प्लस ए बटा दो ही क्या था कुछ चालक, सुन ले प्लस ए बटा दो चालक प्लस ए बटा दो कुछ चालक, अब चालक का मतलब क्या था कि भाई किसका प्रभाव होगा, किसका प्रभाव होगा चालक में धारा, अब धारा का प्रभाव होगा मतलब कि जीपी में
होती है, ये तो सिर्फ तकरीबन सब होती है कि ऐसे पदार्थ है जिनके लिए डेल्टा ई जी चालक से ज्यादा और कुचालक से क्या कम रहे, ये पदार्थ का क्या कहते हैं अपने अर्धचालक, जैसे अपना सिलिकॉन है जर्मेनियम, ठीक है, ये दोनों अर्धचालकों के क्या होते हैं पदार्थ। ये चित्रानुसार हो गया, चित्रानुसार अपना अर्धचालक का ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चित्र क्या बना गया। कंडीशन क्या हो गई कि भाई वी नो दैट वी बी बैंड अपना पूर्ण रूप से किससे बराबर है, इलेक्ट्रॉन से, सी बी बैंड अपना पूर्ण रूप से क्या होता है खाली होता है, ठीक है। परम शून्यता परम, क्योंकि एक बार हमने बताया बात करवाना है, एक बार नहीं करवाना करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पटके, ठीक है, नहीं करवाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ये कहाँ मिलेगा सीधी में मिलेगा, ठीक। तो कंडीशन क्या रहा है कि परम शून्यता, परम शून्यता, परम शून्यता परे बैंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें सीबी में परम शून्यता पर बीबी बैंड के संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन इसमें ले जाते हैं, कंडक्टर बैंड मतलब चालक बैंड में नहीं जाते हैं, जिसके कारण इस स्थिति में अर्धचालक इसकी तरह कार्य करेगा। तो बीबी के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जा रहे, इस क्रोसम का क्या हुआ है नहीं जा रहे, तो वो किसी तरह कार्य करेगा अपने कुचालक, भाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो किसी तरह कार्य करेगा कुचालक। परंतु ताप बढ़ाने अगर टेम्परेचर में क्या किया जाए इंक्रीमेंट किया जाए, यही भी कर दिया, यही भी कर दिया, ठीक। अगर ताप बढ़ाया जाए तो इस तरह से ताप कर दे, तो ताप बढ़ाया जाए, ये बढ़ा सेलों को तो बढ़ा दे, परंतु ताप बढ़ाने पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसके बीबी बैंड के ये इलेक्ट्रॉन कौन सी ऊर्जा ग्रहण करेंगे, तापीय ऊर्जा ग्रहण करेंगे और ताप में पहुंच जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाते हैं सीबी बैंड में चले जाते हैं, यहाँ से आ गए अपने कुछ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ गए अपने कुछ इलेक्ट्रॉन, तो कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सीबी में किसकी अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता जैसे ही होगा इस स्थिति में अर्धचालक इसी पे कार्य करेगा, क्या लेगा स्थिति है समझ गए, दोनों कंडीशन होगी आधा चालक और आधा हो जाएगा चालक की तरह तो कार्य कब कर रहे हैं ताप बढ़ाने का, ये तो बात, और कुचालक की तरह कार्य कब कर रहा था थोड़ा स्पीच देखोगे तो भी पता चल जाएगा, परम शून्यता। तो अपने जो मेन परिभाषा है एंड सबसे सिंपल परिभाषा अर्धचालक वो क्या बनती है कि ऐसे पदार्थ जो परम शून्यता, परम शून्य पर किसी तरह कार्य करें कुचालक है, कुचालक की तरह वह ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर किसी तरह कार्य करें चालक की तरह, वो क्या करेंगे भाई अर्ध चालक। ऐसे पदार्थ जो परम शून्यता पर, ऐसे पदार्थ जो परम शून्यता पर किसकी तरह कार्य करें चालक की तरह, वह ताप बढ़ाने पर किसकी तरह कार्य करें कुचालक की तरह, ऐसे पदार्थ जो परम शून्यता पर कुचालक की तरह, वह ताप बढ़ाने पर किसकी तरह कार्य करें चालक की तरह कार्य करें, वो कहलाते हैं अर्धचालक। क्लियर, ये टॉपिक था अपना अर्धचालक, किसी को कोई डाउट।
वगैरह वगैरह हो तो पता लग जाए। ठीक है, अगर फिर भी किसी को डाउट है, फिर भी किसी को डाउट रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार समझने से कि भाई समझाने से समझ में आ जाए। ठीक, नीचे अपना कमेंट बॉक्स है उसके अंदर कमेंट करना। और आज का तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क है, परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप क्या होता है? देखो ध्यान से दिमाग लगाया ना, कभी फिजिक्स का दिमाग लगा दो और कह दो कि अर्ध चालक जिस ताप पर तो चालक की तरह कार्य करते हैं वो होता क्या है? परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप का मान कितना होता है? मान ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, जितनों का भी हो जाए नीचे कमेंट बॉक्स है उससे मेरा बड़ा आंसर है। लेकिन 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 एक दूसरे का देख के नहीं लिखना है, किसी को आए तो लिख देना, किसी को नहीं आए तो मत लिखना। ठीक, एक बार फिर से मैं चलते चलते वापस से इसको बता देता हूँ। अर्ध चालक देखिए, सबसे पहले परिभाषा की बात करें बैटरी के आधार पर, तो अर्ध और चालक मतलब आधा क्या था अपना चालक था बेटा और आधा क्या था अपना कुशासक था। ठीक, तो कंडीशन वो लगा रही है कि ऐसे पदार्थ जिनके लिए डेल्टा ई जी का मान किससे ज़्यादा हो जाए, चालक से तो ज़्यादा और कुचालक से क्या रहेगा, मतलब जो चालक वाली नहीं रहेगी उसको तो बढ़ानी है और कुचालक का जो गैप है एनर्जी गैप है उसको क्या करना है कम करना है, वो क्या करेगा अपने अर्धचालक। उदाहरण कौन हो गया था सिलिकॉन जर्मे की। ठीक, अगर इसके अलावा दूसरी परिभाषा लिखना चाहो तो ये अपना डायग्राम देखें। ठीक, डायग्राम की कंडीशन क्या लिखेंगे, वही वी लो दैट परम सॉरी वी लो दैट संयोजी बैंड अपना पूर्ण रूप से किससे भरा था, इलेक्ट्रॉन से। सीबी बैंड अपना पूर्ण रूप से क्या था, खाली। सीबी बैंड पूर्ण रूप से खाली होने के कारण अर्धचालक किसी तरह कार्य करते हैं, उच्चालक बट लगातार।